इसे कहते हैं महल। आज हम जयपुर घूमने जा रहे हैं। अभी तो हम फिलहाल हाईवे किंग में रुके हुए होटल में कुछ खाने के लिए, सुबह ही निकले हैं, चलिए कुछ खाते हैं। मिन्नतों के बाद आखिर गुन्नू के घर वाले मान गए गाड़ी में बैठाने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं इनको बैठाने। गुन्नू टर्न कीजिए। देखिए गुन्नू अपने वाहन से दूर निकल चुकी हैं, वो आ रही हैं। गाइस अभी हम आमेर फोर्ट आए हुए हैं, देखिए मेरे पीछे आपको दिख भी रहा होगा दूर में। अब चलिए हम जा रहे हैं, अभी तो गाड़ी से ही जाएंगे, शायद गाड़ी से ही जाएंगे। चलिए आगे दिखाती हूँ कैसा है, दिखाती हूँ आपको पीछे की व्यू। ये जो दिख रहा ना सबसे ऊपर, वही है आमेर फोर्ट, और ये हमारी गाड़ी। अब हम बैठते हैं गाड़ी में। बोले तो हमारी थार है ये। गाड़ी में बैठ गए, मौसा जी आगे बैठे हैं, और ये गुन्नू, बीसु और नानी। बीसु किधर चली गई? अच्छा, यहाँ का मार्केट है जहाँ पे आपको खाने के लिए कुछ भी मिल जाएगा। ये राजस्थान की चादरें हैं। पर आ गए, और देखिए चलिए आगे चलते हैं। तो बड़ा है, और नीचे देखिए लोकल म्यूजिक राजस्थान की सुना दिया। लोग राजस्थानी पर्स बेचते हैं। और आगे चलिए, यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और ये अंदर देखिए, और ये हाथी की सवारी। हम अंदर आ गया, महल अंदर से भी बहुत बड़ी है, और हम ऊपर जा रहे हैं। अभी ऊपर आ गए, मौसा जी अभी टिकट लेने गए हैं, थोड़ी देर में टिकट लेके आ जाएंगे, तब हम और ऊपर जाएंगे। अभी तब तक आप देखिए टिकट मिल गया है, अब हम चल रहे हैं ऊपर। बीसु गुन्नू तो चली गई, बहुत सीढ़ियाँ हैं तो चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे हम। ऊपर जाके दिखाती हूँ आपको। नानी आ रही थी, नानी काफी थक गई। गेट देखिए कितनी बड़ी है महल की गेट। तो चलिए हम महल में एंटर करते हैं, यहाँ पे टिकट चेक करते हैं। ये देखिए गेट, ये कुंडी है, और ये दरवाजा देखिए कितनी बड़ी है। आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ, और ये दरवाज़ा भी देखिए कितना बड़ा है। मेरी आँखें नहीं खुली रह रही। मौसी और नानी थक गई, तो बैठी हुई हैं।
और दिखाती हूँ आपको ये, तो खूबसूरत है। ये देखिए यहाँ से पूरा शहर दिखेगा आपको। चलिए अब सामने वाले महल में हम आपको लेके चलते हैं। धूप तो इतनी तेज है कि पूछो ही मत, फिर भी कहीं से हिम्मत जुटा के मैं आगे बढ़ी। इसकी कितनी बारीक काम की गई है इसमें, चलिए आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी थोड़ा ख़राब होने लगा है, लेकिन खूबसूरत बहुत है। इसकी जो पेंटिंग इस पर की गई है वो भी बहुत सुंदर है। देखिए और सामने से दिखाती हूँ, काफ़ी पुरानी हो गई है तो अब थोड़ा फेडेड होने लगा है, बट है वैसे बहुत खूबसूरत। देखिए टच करके देख रही थी, मौसी आ गई, अब चलते हैं अंदर। मौसा जी वहाँ गए। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स लगे भाई, कितनी खूबसूरत। रुकी दिखाती हूँ आपको भी। स्क्रैच पड़ने लगे वैसे है, काफ़ी खूबसूरत है। इसके अंदर जाने बाहर से देख सकते हो, ऐसे काफ़ी खूबसूरत है। ऊपर दिखा दूँ झरोखा है, ये आपको झरोखे से दिखाएगी। यहाँ से आपको पूरा दिखेगा नीचे, लेकिन ये है ही था छोटा सा, इसको पहले झरोखा बोला जाता था। आगे चलती हूँ मैं, इतनी धूप है लेकिन एक्साइटमेंट में मुझे धूप ही नहीं लग रही, इतना खूबसूरत मैंने तो पहले नहीं देखा। ऐसे एक बार जब गई थी मैं जयपुर, तो वहाँ भी काफ़ी खूबसूरत था और ये भी बहुत सुंदर है। चलिए यहाँ से दिखाती हूँ, एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। देखिए वहाँ पे दो कढ़ाई रखी हुई है, पहले राजाओं के द्वारा इसमें खाना बनवाया जाता होगा। और देखिए ऊपर फ्लैग है हमारे इंडिया का, खूबसूरत सा फ्लैग। और ये है हमारे राजस्थान की खूबसूरती। भाई इंडिया में ही इतनी कुछ है घूमने के लिए कि आप बाहर क्या ही देखोगे, मुझे नहीं लगता बाहर इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत हो सकता है कुछ भी। देखिए यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिख रहे होंगे, कुछ बर्तन रखे हुए हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। क्या ना इधर भी शायद कुछ है, बट वहाँ की गेट बंद है। यहाँ पे रात को लाइट जलती होगी, सब झरोखे बने हुए हैं। चलिए फिर से निकलते हैं। nice.
और देखिए कुछ लोगों ने अपने प्यार की निशानी छोड़ी हुई है, वो भी दिखाती हूँ आपको। दिख रहा होगा कुछ लिखा हुआ यहाँ पे। एक और गेट से हम और अंदर आ गए अब महल के, बाकी मैं घूमते फिरते निकल रही हूँ। बस स्टैंड लेते लेते किसी तरह से अब चलिए। इधर भी कुछ थी शायद, आई थिंक एग्जिट गेट है, बट हमें तो अभी और देखना है। देखिए हम फिर से आ गए और यहाँ से आपको दिखाती हूँ। वहाँ पर आई थिंक कठपुतली डांस हो रही थी, इधर से आपको दिखाती हूँ। इतना बड़ा महल है कि मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया किधर से घुस रहे हैं किधर से निकल रहे हैं। मैं तो थक ली, पता नहीं राजा महाराजा भी थक ही जाते होंगे। इधर देखिए बंद कर दिया गया है, ग्लास लगे हुए हैं, नहीं ग्लास नहीं लगे हुए हैं, वो अपना ही महल घूमते घूमते थक जाते होंगे, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। यहाँ पे ग्लास लगे हुए हैं, यहाँ से देखिए आपको दिखाती हूँ, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। चलिए अब हम चलते हैं आगे, हमारे हाथ भी थक गए, हवा चला नहीं जा रहा। तो किसी तरह मैंने हिम्मत जुटा के ये पानी की बॉटल भी मुझे बहुत भारी लग रही है, हवा चला नहीं जा रहा। मैं तो नानी से भी ज़्यादा, मुझे लग रहा मेरा बुढ़ापा आ रहा है धीरे धीरे, करने में कितनी दिक्कत हो रही है नानी को। ये सीढ़ी है ना बहुत खड़ी खड़ी है, जिससे उतरने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक तो मुझे लग रहा है मेरा बुढ़ापा आ रहा है, और यहाँ देखिए आवाज़ मेरी कितनी तेज आ रही होगी आपको। काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी। ये डिज़ाइन देखिए कितनी खूबसूरत, इसकी शाइनिंग देख के तो सही। मुझे पानी प्यास लगी, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। हमारे जो पैर थे वो काफ़ी थक गए थे और अब मुंह पे जवाब दे रहे थे कि मैं नहीं चलूँगा, तो हम सारे लोग सारे बैठे हैं, लाइन से बैठे हुए हैं, ऐसे देख रहे थे यहीं पे बैठे थे, अभी आपको मैं दिखा रही थी ना। ये देखिए ये पूरे संगमरमर का बना है, और एक यहाँ भी झरोखा है। अभी मैं वहाँ बैठी हुई थी, इससे पहले मैं ना जहाँ पे वो शीश महल है, देखिए अब हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ भी दिखाती हूँ आपको। देखिए ये देखिए रानी का पालकी है, आपको दिख तो नहीं रहा होगा, वैसे एक्चुअली शीशे के अंदर है ना, तो मेरी फ्लैश वहाँ पे दिख रही है। ये गार्डन है जो महल के अंदर ही है, ओके कितने मेंटेन करके इसे रखा गया है अभी भी। और ये है एग्जिट पॉइंट, हम निकल रहे हैं राजा मानसिंह महल, इसका नाम था राजा मानसिंह महल, अभी पता चला मुझे एक्चुअली। मैं तो घूम घूम के थक गई, लेकिन ये महल की एंडिंग नहीं दिखी मुझे, ये है कहाँ। फाइनली हम निकल गए, थक गई मैं, घूमा ही नहीं जा रहा था। मैं सोच रही थी अब चलो अब हो जाएगा, अब एंडिंग होगी, लेकिन कहीं है ही नहीं। No, I don't.
नटराज की मूर्ति बनी हुई है, प्रतिमा है। और ये अंदर में कैफे है एक, आप चाहो कभी तो आप आ सकते हो। अब हम निकल गए, राजस्थानी सॉन्ग सुनाती हूँ आपको। काफी अच्छा सॉन्ग था, गा भी बड़े अच्छे से रहते। इसमें देखिए लॉक्स हैं सारे। अंदर में वैसे बहुत सारे शॉप भी हैं, आप चाहो तो अंदर घूम भी सकते हो, कुछ खरीद भी सकते हो। अब दिखाती हूँ आपको गेट की तरफ। छोटे से डब्बे में आ जाती है, देखिए इसमें ज्वेलरी बॉक्स है, ये ज्वेलरी रखने जाते थे। घूम के बड़े मुद्दतों के बाद हम बाहर निकल गए। इधर से भी एक द्वार है जाने का। कुछ लोगों ने ना तो गंदगी फैलाने की कसम खा रखी है, बहुत खूबसूरत है, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और देखिए इधर से हम गए थे, आपको दिखाया था मैंने, जैसे कि अपने वीडियो में आपको याद भी होगा, इधर से हम गए थे निकले हम, अभी आपको जाके वीडियो में दिखाई थी। अभी मैं आपको बाहर से व्यू दिखा रही हूँ। और देखिए यहाँ पे एक गेट, ये गेट भी बहुत बड़ी सी है, एक तोप रखी हुई है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। चलिए आगे दिखाती हूँ आपको, और बस यहीं तक है। लाल बाजार है, महारानी लोग वो आती थी मार्केटिंग करने। आई थिंक आप अगर दिन भर भी घूमो ना, ख़त्म नहीं होने वाला, आपको 2 डेज लग जाएंगे अगर आप इसमें हल्का एक कोना देखना चाहो। हम तो बस जो फेमस प्लेसेस थे बस वहाँ पे गए, शीश महल ये वो, पूरा तो हम नहीं घूम पाए, उतना टाइम भी नहीं था, हमें और भी जगह जाने थे। नानी थक गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। और अब हम जा रहे हैं आगे, तो अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो हम मेरे पार्ट 2 जो वीडियो आएगा उसमें जरूर देखिए किसके बाद हम कहाँ गए।